राजनीति हेट स्टोरी जैसी फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से यूथ के फेवरेट बने सिंगर मोहित चौहान रायपुर आए हैं। वो बिलासपुर में लाइव कॉन्सर्ट में शामिल होंगे। मोहित ने अपने करियर और अगले प्रोजेक्ट को लेकर स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत भी की। फेमस बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान रायपुर पहुंचे हुए हैं। बिलासपुर में इनका कॉन्सर्ट है, इनसे हम बात करेंगे। मोहित, वेलकम टू छत्तीसगढ़। थैंक यू वेरी मच। किस तरह का इवेंट है बिलासपुर में और कितने एक्साइटेड हैं आप इस कॉन्सर्ट को लेकर? बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स अ पब्लिक इवेंट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग इन रायपुर एंड बिलासपुर। बिलासपुर में तो आप परफॉर्म कर रहे हैं कि रायपुर में भी आपके बहुत सारे फैन हैं, उनको कब आपकी परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलेगा? मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी मुझे रायपुर वाले बुलाएंगे, और मैं पहले भी रायपुर आया हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, तो आई लव टू कम बैक। डायनेमिक वॉइस है आपकी, यूथ में खासा क्रेज है आपकी वॉइस का। अभी किन बॉलीवुड मूवीज में हम आपके गाने सुनने वाले हैं, या स्पेशली जो 90s का टाइम था जिस तरह के एल्बम्स आते थे, क्या वैसा कुछ फिर से आने वाला है? होपफुली, मैं एल्बम पे भी काम कर रहा हूँ अपनी, और अभी मेरी कुछ फिल्मों में गाने भी आए हैं, थ्री स्टोरीज, दिल जंगली, और भी अच्छे गाने आ रहे हैं। लाइनें आप रायपुर के लोगों के लिए गाना चाहेंगे, कोई भी जो आपको पसंद हो? डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। थैंक यू सो मच मोहित, एंड हैव अ ग्रेट डे। और ये थे मोहित चौहान, डायनेमिक सिंगर, वर्सेटाइल वॉइस, और फैंस में मोहित के वॉइस का खासा क्रेज है, रॉक स्टार। और बिलासपुर में इनकी परफॉर्मेंस होनी है, जैसे कि इन्होंने कहा कि जल्द ही रायपुर में भी इनकी परफॉर्मेंस होगी, तो इंतजार कीजिए कि जल्द मोहित रायपुर आए और यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस हो। फिलहाल बिलासपुर की उनकी परफॉर्मेंस के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। कैमरा मैन नरेंद्र के साथ रायपुर से दर्शन ठाकुर। कुछ और खबरों